में पिग्स रहते हैं, बोर्स बोलते हैं, वो रहते हैं। और वहाँ पे ना जो मजदूर लोग नहीं होते पत्थर लेके ऊपर गए ना, बस वही जगह थी। और वो भी सोचिए कम से कम 20-25 साल जो बनाया होगा। ये कहाँ की बात है? ये त्रिकुटी भैया वहाँ पे देवघर के पास है ना। अच्छा। बद्रीनाथ, बाबा बद्रीनाथ वहाँ पे। बद्रीनाथ क्या है? बैजनाथ वहाँ भी गए थे क्या? बैजनाथ ये गई हुई है वहाँ पे, बाबा बैजनाथ देवघर है ना भैया वो। अच्छा। क्या बोलते हैं उसको, एक वन ऑफ द ज्योतिर्लिंग है, ज्योतिर्लिंग है भैया। और वहाँ पे माता सती की वो भी गिरा है ना, पैर गिरे ना, क्या गिरे कुछ भी नहीं। उसकी वजह से दर्शन करने गई थी, उनके घर विजिट करने गई थी। हमने ना त्रिकुटी का चढ़ाई स्टार्ट किया, थोड़ा एक्सप्लेन करूंगी लंबे से डिटेल में। तो हमने सोचा कि बढ़िया सा छोले भटूरे खा के 11 बजे चलेंगे। और त्रिकुटी पर्वत पहले ना वहाँ पे वो था, रोपवे था भैया। तो याद है एक बार देवघर में एक एक्सीडेंट हुआ था, रोपवे टूट गया था, लोग मर गए थे। क्या वही पर्वत उसके तो शायद वीडियो भी आई। हाँ वही पर्वत पे हम गए थे। तो वहाँ पे ना जाते जाते के बाद 2 बजे अपन पहुंचे ही, और ठंडे का टाइम था। अच्छा ही। तो 7 बजे छोड़िए, 5 बजे पिच डार्क जो होता है ना वैसा था। बिल्कुल। और वो ना करीब कितना था, 3-4 किलोमीटर था भैया। बट आपको चढ़ाई करने था ना बिहार झारखंड, तो सूरज जल्दी आता है और जल्दी ढलता भी है। ओके। अंधेरा जल्दी हो जाता है। अंधेरा जल्दी हो जाता है। हमारे पास ना हमने एक बस गाइड लिया। अच्छा जी। और गाइड लेके हमने ऊपर चढ़ाई स्टार्ट कर दी। अरे बाप। हम जब ऊपर गए तो जाते जाते हमारे करीब 4:30 या 5 बज गए। अच्छा। ऐसे ऐसे हमें दिख रहा था वहाँ पे भीम शिला भी है। अच्छा। तो वो जैसे तीन वहाँ पे ना वो इंडियन उसके वो भी रखे हुए हैं, मिसाइल्स भी रखे हुए हैं। अच्छा। हाँ ब्रह्मा विष्णु महेश ऐसे करके पर्वत, तभी उनका नाम प्लेस। तो हम लोग चढ़ाई कर रहे थे महेश पे, और तभी उसका नाम त्रिकुटी पर्वत है। ठीक है। तो हम लोग चढ़ते चढ़ते जब हम चढ़ गए तो ऊपर भीमशिला के पास गए, तो वो हमने बोला कि भाई ड्रॉप करते, आधा घंटा वहाँ और जाना था। लेकिन हमें समझ में आने लगा था कि पूरी लेट हो गया, पूरा एकदम रात होने वाली है। अभी जब हम उतरने लगे तो हम 15 मिनट चढ़ाई की हो गई और हमें कुछ नहीं दिख रहा था। अच्छा। कुछ भी नहीं मतलब आगे का सीढ़ी भी नहीं दिख रहा था। हमने फोन ऑन किए, नेटवर्क जीरो। अच्छा। हम माँ बाप को कॉल भी नहीं कर सकते, हम अच्छी हालत में नहीं है। उतने पे मैंने अपना हील वाला क्रॉक्स पहना हुआ था, मेरा पैर फिसल गया। अच्छा। और उसके बाद मेरा पैर पूरा ऐसे ऐंठ गया। अब शुभम को मैं बता नहीं सकती, शुभम कॉल कर रहा है कहाँ हो मैं बता नहीं सकती। मैंने सोचा बताया तो आज गाली पड़ेगी मेरे को। अच्छा। कि क्रॉक्स पहन के जाने की हिम्मत कैसे हुई। हम चढ़ते गए फिर जाके मतलब अब तो गाइड भैया की भी हालत खराब हो गई, उनको भी पता नहीं चल रहा है कहाँ जा रहे हैं। गाइड फर्जी वाला था, क्रॉक्स फर्जी वाला। वैसे लोकल होते ना भैया, चलो हम चढ़ा देंगे 500 रुपए में। ओ मंकी 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 मंकी, देखा मंकी, देखा हीरा मंकी, देखा ये मंकी तो आम दिख जाएंगे अभी आगे शिवपुरी में बहुत है। उसके बाद फिर क्या हुआ, जैसे आगे पहुंचे हमने देखा कि आगे एक बड़ा सा स्टोन है और रास्ता ब्लॉक्ड है। तो मतलब अब हमें पता नहीं कि हम सही डायरेक्शन में आगे पीछे कहाँ है, कुछ नहीं पता था। फिर उसके बाद क्या हुआ, हमने अपने अपने जैकेट ऑन किए। मंगूस बोलते हैं क्या, तो बोलते हैं क्या काला लंगूर बंदर, मुझे लगा काला लंगूर बंदर, काला लंगूर बंदर। हाँ उसके बाद फिर क्या हुआ, हम जब गए तो हमें कुछ नहीं दिख रहा, रिकॉग्निशन नहीं है। उसके बाद फिर क्या हुआ, हम जब नीचे पहुंच रहे थे तो हमें एक दिखा कि हम पूरा डेड ब्लॉक सिचुएशन में, मतलब हम ना आगे जा सकते ना पीछे जा सकते हैं। तो हमें कुछ नहीं दिख रहा था, और नीचे ना एक माता का मंदिर था। तभी 9 बज रहे थे एकदम एग्जैक्टली, हमने देखा टाइम, देखा 9 बज रहे, बस हमारी वॉच काम कर रही थी। उसके बाद हमने बस भैया ने बोला कि मैडम कहीं से आपको बस रोशनी दिखे तो समझिए वो माता का मंदिर है। अच्छा। और वहीं हमें जाना है। अब हम क्या करें, हमने थोड़ा इधर उधर हाथ पांव मारना स्टार्ट किया, फिर एक गुफा टाइप का था वहां से हम निकले ऐसे करके। हमने देखा एक ज्योति सी जल रही है, हम समझ गए माता का मंदिर, आप वही जाना है। फिर ना पाइप्स ऐसे लगी है भैया जो पानी पहुंचाती थी ऊपर, उन पाइप्स को हम पकड़ पकड़ के नीचे आए हैं। और जैसे हम नीचे पहुंचे उस गाइड को हमने मारना स्टार्ट किया, पहले तो
कि भैया तुझे पैसे किस चीज के चाहिए थे। 10 बजे हम नीचे आए, हम सब की हालत देखने लायक थी, सब ना मतलब रो रहे थे, ऐसा लग रहा था भाई पहुंच गए, भगवान की दया से कुछ भी हो सकता था। सुबह मतलब क्या खाते कुछ भी, वहाँ पे मजदूर लोग भी जो थे ना दे वर नॉट ट्रस्टेबल, ऐसा आप नहीं देख सकते, वहाँ पे ऊपर लोग रहते हैं बट वो सब ना मजदूर नहीं होते हैं, वो मतलब वो सुअरों को मार के खाने के लिए रहते हैं, हाँ वाइल्ड बोर्स को वो मार मार के खाते हैं, उनको खाते हैं, हाँ वहीं पे रहते हैं वो ऊपर में, सोचा हाँ सही में आदमी को मार के खाते हैं, मार के खाते कि आपसे पैसे ले लेंगे, आपका किडनैपिंग करेंगे कुछ भी, मतलब मेरे उसके बाद मैंने कान ऐठे मेरे भैया मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं करना ट्रेकिंग ट्रेकिंग का, जिसको जहाँ जाना है चाहे पुणे महाराष्ट्र में, दिस इज वाज लाइक बिकॉज क्योंकि भैया वहाँ कोई ना वो नहीं है, पुणे में आपको ना भैया ट्रेकिंग के इतने मिलेंगे, ग्रुप्स मिलेंगे, ठीक बात है, एक बार में 200 आदमी जा रहा ट्रेकिंग पे, एक साल यहाँ पे भी छुप गया पहाड़ी के नीचे, हम आपके साथ हैं, आप ऊपर जाओ आराम से, ट्रैकिंग से तोबा हो गई है, पहले से ही ट्रॉमा थी वो, तो बाप रे पहाड़ आए रे भाई, कई काफी साल बाद देख रहे हो, मैं रोज देखता था पहले, आया भाई आया भैया, 20-30 चल रही है, मम्मा हम श्योपुर जा रहे हैं, डैडी पहाड़ के बीच में है, मम्मा हम श्योपुर जा रहे हैं, अरे श्योपुर से तो